In the previous video, we have learned about the redox reaction. The redox reaction is the base of the electrochemistry. Now we have to know about the conductors. As we already know that conductors are the substances, which allow to pass current and heat through them. Is known as conductors. Conductors are of two types. These are metallic conductor and electrolytic conductor. मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या डिफरेंस है ना. मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. जबकि जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है, प्रीवियस चैप्टर में भी आप लोगों ने इसको एक बार पढ़ा है. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस. इसके अंदर आयंस का मूवमेंट होता है और मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है. देयर इज नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर, है ना. इसके अंदर नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता है कंडक्शन के बाद इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर. बट यहाँ पर क्या होगा, जब आप अभी डिटेल में पढ़ोगे इसको तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन होने लग जाता है ना. इट इन्वॉल्व्स द डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. मतलब यहाँ केमिकल रिएक्शन होगी एंड डिकम्पोजिशन होने लगेगा. और इलेक्ट्रोलाइट ही यहाँ पर कंडक्टर है तो डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेक प्लेस, है ना. इलेक्ट्रोलाइट टेक प्लेस तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन होगा आपकी इलेक्ट्रोलाइट का. थर्ड ये क्या होगा, डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर. बट यहाँ पर ट्रांसफर होता है आयंस का, है ना. ट्रांसफर ऑफ मैटर इज नॉट इन्वॉल्व. बट यहाँ पर इन्वॉल्व दी ट्रांसफर ऑफ आयंस. तो यहाँ पर मेटेलिक कंडक्टेंस जो है वो टेम्परेचर के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है. जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो ये जो मेटेलिक कंडक्टेंस है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है ना. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है. लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है वो भी इंक्रीज होने लगता है. तो ये बेसिक डिफरेंस है मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के अंदर. समझना इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वॉट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, है ना. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट आर दी सब्सटेंसेस. ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन एंड दी सब्सटेंस
आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो मूवमेंट ऑफ आयंस जिनके अंदर होता है, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट उनमें से पास हो जाता है ना, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका एग्जांपल जैसे आपका एसिड है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट कर सकता है, बेस है, सम टाइप ऑफ सॉल्ट, ये आपके कैसे हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट की तरह ये एक्ट कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रोलाइट भी आपके दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। कई बार छोटी क्लासेस में एक्टिविटी भी परफॉर्म की होगी कभी आपने, की जो पोटैटो है उसके अंदर पिंस लगा के और वायर से कनेक्ट करके हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी, तो उसमें क्या हो रहा था कि पोटैटो के अंदर जो सेल से जो सेल स्टेप स्टेप होता है ना, जो रस होता है ना, वो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह काम कर रहा है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहा है, तो ये वही इलेक्ट्रोलाइट है। बट यहाँ हमें लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना है, तो हमें जो हमारे लैब के अंदर एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट काम में लेने होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट टू टाइप्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो जैसे आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके होंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे, द इलेक्ट्रोलाइट विच आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएट इंटू आयंस। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जनरली किसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास करा पा रहे हैं, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयंस। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो जब आप उनको एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इन टू द आयंस इन द सॉल्यूशन, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जैसे कि आपका NaCl है, KCl है, NaCl है, KCl है ना, ये NaOH है, ये सारे आपके क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गए, है ना। या फिर आपका साल्ट जैसे आप ले सकते हो NH4, NO3। ठीक है, तो ये सब आपकी क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गए, है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन क्या होते हैं, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना, कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। तो ऑब्वियसली जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होंगे तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होगा, तो नंबर्स ऑफ आयंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होने, ज़्यादा कैरी होने वाली है ना। और वीक इलेक्ट्रोलाइट उसका अपोजिट हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंस विच डू नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली। ये क्या होते हैं, डू नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली इंटू आयंस इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में इनका कम्प्लीटली आयोनाइजेशन नहीं होता। जैसे अब वीक एसिड बहुत कॉमन एग्जाम्पल आप लोग पढ़ते हो, CH3COOH है, H2CO3 है, ठीक है, इसके अलावा HCN है ना, NH4OH है, ये सारे आपके किसमें आ जाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। तो ये सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने डिग्री ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो वहाँ पर क्या होता था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते थे उनके लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा ऑलमोस्ट 1 आती थी। अल्फा क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते थे, वो डिसोसिएट हो जाते थे। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते थे उनके लिए अल्फा की वैल्यू 1 नहीं आती थी, वो बहुत कम आयोनाइज होते थे, और इनमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टडी करते थे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे सॉल्यूशन में, वीक इलेक्ट्रोलाइट कम आयोनाइज होंगे, नंबर ऑफ आयंस कम होंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज ऑलमोस्ट 1 एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1, यानी यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, लेकिन यहाँ पर हमेशा अल्फा की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की केस में 1 लगभग 1 ही होती है। अब देर आर सम फैक्टर विच अफेक्ट फैक्टर्स, देर आर सम फैक्टर्स ऑन विच कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं,
जैसे फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तो अभी आपने देखा है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या तो वीक स्ट्रॉन्ग आपका इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है या फिर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। तो अगर मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो नंबर ऑफ आयंस कम है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो सीधा सा है, इसीलिए जो नेचर ऑफ फैक्टर्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है उसके ऊपर भी कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है ना। दूसरा है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, पोलर डिजॉल्व्स पोलर है ना, या लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो आयोनाइज जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज मोर इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो देयरफॉर द ग्रेटर द पोलरिटी ऑफ द सॉल्वेंट्स लार्जर इज द आयोनाइजेशन। ठीक है, अगर पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है, द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इंक्रीजेज, तो क्या होगा वहाँ पर आयनाइजेशन बढ़ेगा, आयनाइजेशन इंक्रीजेस, और आयनाइजेशन इंक्रीज होने से कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। और इसी का उल्टा कर लोगे, अगर पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज होगी तो आयनाइजेशन डिक्रीज होगा और कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही फिर आपका है साइज ऑफ आयंस एंड देयर सॉल्यूशन, एंड देयर सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट्स आपके डिसोसिएट होंगे, तो अगर इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहे हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, और अगर जैसे NaCl है, अगर आपने इसको पानी में डिजोल्व किया तो दो आयन बनेंगे, सोडियम प्लस और Cl माइनस। लेकिन वहीं क्योंकि पानी है तो उसके H प्लस और OH माइनस दो आयंस भी होंगे। तो ये जो H प्लस और OH माइनस है, आपको पता है वाटर की मॉलिक्यूल जाकर नेगेटिवली जाकर इसके चारों तरफ इस तरह से बनाते हैं, ऐसे एच प्लस, सॉरी एच प्लस इधर अपोजिट फ्री चार्ज है और एन ए प्लस के पास ये ओ एच माइनस जाकर इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन है ना। तभी तो नमक पानी में घुलता है। तो साइज ऑफ आयन अगर जितना ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, आयन उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सॉल्वेटेड होगा, इसको स्पेस मिलेगा और ये चारों तरफ से इसको घेर लेंगे तो और भी ज़्यादा साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, द आयंस आर स्ट्रॉन्गली सॉल्वेटेड, स्ट्रॉन्गली सॉल्वेटेड, साइज ऑफ आयन इंक्रीज, और अगर साइज ऑफ आयन इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो सॉल्वेशन जितना ज़्यादा होगा, आयन भारी हो जाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, मूवमेंट नहीं होगी तो कंडक्टिविटी भी नहीं होगी, है ना। और फिर उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन लेस द कंडक्टेंस। हाई कंसंट्रेशन अगर होगी तो कंडक्टिविटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। ऐसा कैसे होगा, क्योंकि देखो जब हाई कंसंट्रेशन होगी तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होगा। अब मान लो ये वेसल है और इसके अंदर बहुत सारे ये आयंस हैं, कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से उनके बीच में गैप ही नहीं है, है ना, आपस में बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रखे हैं। तो उससे क्या होगा, इनके बीच में इंटरायनिक अट्रैक्शन बढ़ जाएगा या इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इंट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से ये आपस में ही एक दूसरे को खींचने लगेंगे और इनका मूवमेंट जो है वो पहले से कम हो जाएगा। तो पहले से मूवमेंट अगर कम हो रहा है तो यहाँ पर कंडक्टिविटी भी क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट शुड नॉट बी हाई। इफ इट इज़ हाई इन कंसंट्रेशन दैन द कंडक्टिविटी विल डिक्रीजेस। एंड द अनदर वन इज टेम्परेचर, लास्ट फैक्टर टेम्परेचर,
The conductivity of an electrolyte depends upon the temperature. When the temperature increases, the conductivity of an electrolytic solution decreases due to the decrease in interaction between ions. देखो यहाँ पर भी अगर आप weak के लिए लोगे और strong के लिए लोगे तो आपको दोनों में अलग अलग देखने के लिए मिलेगा. तो कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. इज इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन सॉरी ये इंक्रीज होगी. जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी यहाँ पर क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन इंट्रैक्शन बिटवीन आयंस. क्योंकि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एटम्स के बीच में. और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स एक आयन से दूसरे से पास दूर दूर जाएंगे और दूर दूर जाएंगे तो कंडक्टिव मूवमेंट बढ़ेगा. मतलब मूवमेंट बढ़ रहा है मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है. दैट्स ऑल.